दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। मैं हूं अंकुर तिवारी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है। जितने भी वीडियो पर दोस्त आए हैं देखने के लिए सबका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां आप लोगों के लिए मैं जो है लगातार सर्च करके लेकर के आता रहता हूँ। जो भी इंटरनेट या अन्य स्रोतों से जानकारियाँ मिलती हैं उनको मैं सभी के साथ में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से साझा करने की कोशिश करता हूँ। जो भी जानकारियां मिलती हैं मैं जरूर आप लोगों के साथ में लेकर के आता हूं। अगर वो वैक्सीनेटर और सहायकों से संबंधित कोई भी जानकारी रहती है तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो ये होने वाला है कि दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों का पैसा लगभग लगभग आ चुका है FMD का, और कुछ लोगों का पैसा जो है अभी आ रहा है, प्रक्रिया शुरू है। तो जिनका नहीं आया है वो अपने डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और जैसे बरेली हो गया, कुछ जगहों पर जो है पैसा आ चुका है दोस्तों और कुछ जगहों पर अभी तक नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब जो है वैक्सीनेटर और सहायकों की कुछ मांगे हैं। जो वैक्सीनेटर सहायकों के लिए अगले बार जो FMD किए थे उसमें पैसा उनको बहुत ही ज़्यादा कम मिला। मान लीजिए उन्होंने 1000 पशुओं पर काम किया तो उनको 2500, या फिर उन्होंने अगर वैक्सीनेशन किया था तो उनको 3000 रुपये इसी हिसाब से आया था, 2500 और 3 रुपये के हिसाब से, जो एक बहुत ही कम राशि मिली थी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब वैक्सीनेटर और सहायक जो हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको 10 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, जिससे अगर उनका जो है जीवन यापन हो सके या फिर उनको एक ऐसी सैलरी पर रखा जाए जिससे उनको पर मंथ 5000-6000 रुपये से लेकर के कम से कम 10000 रुपये पर मंथ उनको दिया जाए, जिससे उनका परिवार चल सके और वैक्सीनेटर और सहायक भी एक जो है अच्छा जीवन यापन कर सकें और इस काम में निरंतर वो लगे रह सकें। अब देखना ये होगा कि सरकार से लगातार गुहार जो है इस बात की लगाई जा रही है। वैक्सीनेटर सहायक भी जो है लगातार मांगे कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के वैक्सीनेटर सहायक, चाहे वो बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, कहीं के भी हों, उनकी एक ही मांग है कि अब हम लोगों को सैलरी पर रखा जाए। और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल भी जो है सरकार से गुहार लगाता है, इस सत्ता में बैठे हुए सभी सत्ताधारियों से गुहार लगाता है कि वैक्सीनेटर सहायकों ने जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो। मैंने तो देखा है, स्वयं देखा है, कई बार एक्सीडेंट का शिकार भी हुए हैं वैक्सीनेटर और सहायक। मैं लगातार जो है उन चीज़ों को अपने चैनल से भी हमने दिखाया है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार से भी मेरा गुहार यही है कि वैक्सीनेटर सहायकों को उचित जो है सैलरी पर फिक्स किया जाए। मानदेय जो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है और वो एक हिसाब से जो अधिकारी हैं उनके अंडर में रहता है। तो वैक्सीनेटर सहायकों को अगर सरकार उनका अधिकार देना चाहती है तो उनको जो वैक्सीनेटर सहायकों की मांगे हैं उसको पूरा करना चाहिए और एक सैलरी देना चाहिए। यही मेरा यूट्यूब चैनल से भी अपने सबके लिए संदेश था। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी बातें अगर आपको सही लग रही हैं तो आप लाइक करके समर्थन कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को हर वैक्सीनेटर सहायक के पास भेजिएगा ताकि सारे वैक्सीनेटर सहायक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और सारी जानकारियां सबको मिल सकें। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी, साथ में हर तरह की जानकारी से अपडेट रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।